नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों संविधान का एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल सिंबल्स। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल सिंबल्स मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्र के प्रतीक। क्या बोलते हैं दोस्तों? राष्ट्र के प्रतीक। मतलब राष्ट्र के प्रतीक का मतलब होता है कि कुछ संविधान सभा में कुछ हमारे चिन्ह लिए गए हैं, वो कौन कौन से प्रतीक हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको जो है सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए। और इधर ये हमारा जो है सिलेक्शन मेंटर कोचिंग का नाम है और ये हमारे विदेश सर हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं जैसे यूपी टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, हर लेवल की तैयारी दोस्तों यहाँ कराई जाती है। यूपी ट्रिपल एससी मतलब हर लेवल की तैयारी कराई जाती है। जो एमसीक्यू आप कराए जा रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो आगे अब हम लोग चलते हैं और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? राष्ट्रीय ध्वज, तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, 22 जुलाई 1947, 26 नवम्बर 1949 और 27 दिसंबर यहाँ पर हम कर लेते हैं 1950, ठीक है, 27 दिसंबर 1950 और 15 अगस्त 1947। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से अगर आप लोगों को आ रहा है जल्दी से ऑप्शन दीजिए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा दोस्तों वो सही होगा फर्स्ट, 22 जुलाई 1947 दोस्तों। तो 22 जुलाई को संविधान सभा ने अपनाया था, 22 जुलाई को संविधान सभा में मतलब संविधान सभा में कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। और ये 26 नवंबर को क्या है कि संविधान सभा द्वारा मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, ये डेट आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद 27 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये 27 दिसंबर को एक ऐसी डेट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को, तो आपको मालूम 15 अगस्त 1947 को ये देश क्या होता, भारत स्वतंत्र हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो पहला ऑप्शन आपके पास 24 जनवरी, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा 22 जुलाई 1947 और चौथा 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से अपने ऑप्शन को टिक करिएगा, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा जाके कौन सा सही होगा, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ठीक है ना। तो 24 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 24 जनवरी को बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे जैसे राष्ट्रपति का पद अपनाया गया, ठीक है, वायसराय का पद हटा करके। इसके बाद राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी को। और क्या हुई, अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो ये 24 जनवरी को घटनाएं हुई थी, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद 22 जुलाई को आप अभी पढ़ ही चुके हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसके बाद 26 नवंबर को
संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहला मुंबई अधिवेशन, दूसरा कोलकाता अधिवेशन, तीसरा लखनऊ अधिवेशन, चौथा लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों देखिए, इन चार ऑप्शन आपके दिए हैं और चार ऑप्शन में, तो इनमें कौन सा ऑप्शन चारों में सही होगा। तो दोस्तों ये चारों में जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता का अधिवेशन और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है, जनगणमन क्या है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है, जनगणमन, 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 ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रगान है इसके अगर रचयिता पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो इसके रचयिता दोस्तों होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था, जिसमें ये गाया गया था दोस्तों। ठीक है ना, इसकी कुल अवधि कितनी होती है दोस्तों, इसकी अवधि जो होती है वो होती है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड होती है, कितनी होती है, 52 सेकेंड होती है गाने की। ठीक, गाने का समय 52 सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, और जनगणमन जो अपना कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों 26वां कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो आपको बता दें, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, पहला 3:2, फिर 2:3, फिर 3:4, फिर 4:3। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से अपने ऑप्शन को पुष्ट करिए कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन में जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, बी सही होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई अनुपातें जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है 3:2। मगर यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, गलती नहीं करना हमें, चौड़ाई अनुपातें लंबाई पूछ रहा है, तो हमें देना है आंसर 2:3। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, 2:3। आगे चलते हैं, पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों, ये क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दूसरे कौन है, बंकिम चंद चटर्जी, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं और दो ऑप्शन तो आपके कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर होगा कि बंकिम चंद चटर्जी होगा कि इनमें बाल गंगाधर तिलक होगा, ये चारों ऑप्शन में। तो चार ऑप्शन में जो है ये एक आप कोई ऑप्शन आपका सही होगा, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत आपका क्या, वंदे मातरम, तो इसमें ऑप्शन सही है ये। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत मतलब इसको कहते हैं वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद चटर्जी। अब देखिए, ये जो बंकिम चंद चटर्जी है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में उन्होंने इसका रचना की है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। कैसी भाषा में, संस्कृत भाषा में इसको रचित किया है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। और ये जो है किस अधिवेशन में गाया गया दोस्तों, तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया 1896 में। और कौन सा था ये, 12वां अधिवेशन था दोस्तों। कौन सा था,
12वां अधिवेशन था उसमें ये गाया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो हैं जनगण मन के, जन गण मन के रचयिता हैं दोस्तों, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट का आप नाम जानते ही होंगे, ठीक है। होम रूल आंदोलन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो एनी बेसेंट का नाम जरूर आपको, भारत की पहली महिला जो है कांग्रेसी महिला कौन? श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसके बाद बाल गंगाधर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक का कहना है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, संविधान दिवस। देखो अभी दोस्तों ये पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आता ही रहता है, संविधान दिवस जिसे हम लोग कहते हैं विधि दिवस। क्या कहते हैं दोस्तों? विधि दिवस, विधि दिवस भी आ सकता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को और 24 जनवरी को। तो देखो 15 अगस्त ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, इस चार ऑप्शन में कोई एक सही होगा, तो इसमें सही हो रहा है दोस्तों सी नंबर 26 नवंबर। 15 अगस्त को दोस्तों जो है, 15 अगस्त डेट इम्पोर्टेंट हमारे लिए है क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी इस दिन क्या होता है? संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी 26 नवंबर, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949, देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम लोग जो है 26 नवंबर को विधि दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधि दिवस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? विधि दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधि दिवस कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना, पूरी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, ये 24 जनवरी। अब ये 24 जनवरी, तो 24 जनवरी का नाम आप सुनते होंगे, 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे काम हुए। कौन कौन से काम हुए दोस्तों? सबसे पहले तो हम देखेंगे 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? अंतिम बैठक हुई, ठीक है, संविधान सभा की। फिर क्या हुई? दूसरा पॉइंट यह है कि जन गण मन अपनाया गया, ठीक। 24 जनवरी को क्या कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो ये सारी जानकारी आपको 24 जनवरी 1950, मतलब 24 जनवरी इसलिए फेमस था। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर, 22 जुलाई, 29 अगस्त और इसके बाद 15 सितंबर। अब देखिए दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जल्दी से अपने पुष्ट करिए, जल्दी से बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सही होगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 15 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 8 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, ये चार ऑप्शन है आपके पास, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। अब देखिए शेर होगा कि बाघ होगा कि हाथी होगा कि घोड़ा होगा, ये चार ऑप्शन किस, कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है दोस्तों, बाघ है। तो जानते होंगे बाघ परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1972 मनाया जाता है, बाघ परियोजना, ठीक है। और बाघों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों इस समय? बाघों की कुल संख्या जो है वो है 2937 करीब है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग जो है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, पहला
क्रिकेट, दूसरा शतरंज, तीसरा फुटबॉल और चौथा हॉकी। अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में सही होगा दोस्तों, जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय खेल है भैया, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है, मगर जो है लोगों का मन लगता है क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट खेलने में ज़्यादा लगता है, क्रिकेट का प्रभुत्व है, मगर हॉकी का प्रभुत्व कम है, मगर भारत का ये राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। मेजर ध्यानचंद का नाम सुनते होंगे, मेजर ध्यानचंद का नाम सुनते होंगे आप लोग, और इन्हीं के उसमें जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो इंग्लैंड का है, क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का है, ठीक है ना दोस्तों, इंग्लैंड का है। ठीक, आगे चलते हैं, इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, जलीय जीव कब घोषित किया गया दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास 2010 है, दूसरा 2009 है, तीसरा 2005 है, चौथा 2015 है दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, और चारों ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये चारों ऑप्शन में दोस्तों जो है इसमें सही होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2009, मतलब 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है 2009 से स्टार्ट किया गया, 2009 से राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और प्रतिवर्ष जो है गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है, गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, और वो जलीय जीव कब घोषित किया गया था, 2009 में दोस्तों, 2009 में। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको पूरी तरीके से, जो है पूरी तरीके से याद हो गया, और हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट करके बताते रहिए, कि अगर किसी प्रकार को आपको डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, देखिए सबसे पहले तो आप लाइक करिएगा हमारे सेशन को, लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और ये हमारा नंबर है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।